सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल गेम आपकी ईश्वन। गुड मॉर्निंग। सो गाइज, अभी मैं उठकर मम्मा के साथ छत पर कपड़े सुखाकर और अभी मैं नीचे आ गई हूँ और अभी मैं उसको कहते हैं ब्रश करके खाने लगी थी अपनी मेडिसिन जो खाली पेट खानी थी और अभी बस उसको क्या कहते हैं अभी फटाफट से मेडिसिन खाने के बाद मैं नहाऊंगी। नहाकर उसके बाद बिकॉज हम जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मम्मा साथ में ही ले जाएंगे, बिकॉज हमारे को नहीं पता कि जो ब्लड टेस्ट होने वाला है वो खाली पेट होगा या फिर कुछ खाकर। बाकी देखो है ना मम्मा। सो आपसे मिलते एक्सरे पे लास्ट से करवाओगे। ओके सो आपसे मिलती हूँ दवाई वगैरह नहाकर, दवाई खाने के बाद नहाकर फिर। सो गाइज, अभी मैं रेडी हो गई हूँ और आज के नॉर्मल सा किया है, पोनी है साथ में, मेरी ये वाली फ्रॉक है और ये रहे मेरे चश्मे जो मैं लगाकर जा रही हूँ आज। और अभी बानी जाग रही है, उठ गई है ये भी। और मैं क्या करने आई थी इस रूम में, सॉरी एक तो इसकी बहुत कम ज्यादा है, हर बार रोने लग पड़ती है ये। और मम्मा तो पेंट कितने आ सो अभी मेरे को मेरा मास्क नहीं मिल रहा तो अभी मैं वो ढूंढ रही हूँ। और एक तो मेरा कैमरा नहीं सेट होता, बार बार वो पलट जाता है ये, इसमें तो नहीं है। ये रहा मेरा, मम्मा का कहाँ मम्मा। सो अभी लगे हैं निकलने, सो अभी मैं आपको मिलती हूँ। अभी मम्मा उसको कह रहे हैं कोई दरवाज़ा, कोई भी आएगा दरवाज़ा मत खोलना। और अभी मैं आपको मिलती हूँ सीधा हॉस्पिटल पहुँच कर, मेरी आज भी सुई लगेगी। ये कल परसों लिया था नाइट में। इसमें बॉडी हार्ड ना था, हिलो ना बच्चे, हिलो ना। बस हो गया कि बस 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 साइड क्यों कर इतने साल की कुड़ी 13 साल वो खुद भी शूट भी करना पड़ेगा लेटो आराम ना सकते हो कि नीचे थोड़ा ऊपर हो जो हाँ चलो सो गाइज, आज चलो की कहते हॉस्पिटल का इन्ना ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो मना कर रहे थे तो मम्मा ने चलो थोड़ा बहुत शूट तो कर ही लिया सीगा ते आपा आण तो बच्चे सो गए सीगे ते हुण मैं करन लगी हाँ लंच ते हुण मैनू हजे भी मैं नींद विच मैं फटाफट हुण लंच करूंगी उस तो बाद फिर ट्यूशन का टाइम हो जाना फिर ट्यूशन जाना आ ते अज दा लंच तुहानू दिखानी आ अज दा लंच है रुको
चावल विद राजमा दी सब्जी जिहड़े मेरे बहुत फेवरेट आ, नाल पापड़ जिहड़ा मम्मा थोड़ा जिहा खा गया। मम्मा नूं इन्नी भुख लगी सी ना नूं कि कहिंदे उत्थों, मैं भी हुण तां लंच कर रही क्योंकि अज मैं ब्रेकफास्ट करके ही नहीं गई सीगी, तो उत्थों आ के हिम्मत ही नहीं पई कि मैं कुछ शूट वगैरह भी करा, ते मम्मा फिर आण लगे गुआवाज लै के आए, कैंट भी मैं इन्ना शूट नहीं किया, हाथ मेरा पेन होण डिया सी तां करके। सो हुण मैं तुहानूं मिलदी फटाफट इहनूं खाण तों बाद च, ट्यूशन तों हो के आ जाऊंगी फिर, है ना अम्मा। सो गाइस मैं ट्यूशन से आ गई हूँ, होकर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, और अभी मेरे को फिर से बीमारी पड़ गई है कि कल फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर पहले मम्मा बोल रहे थे तू मत जाना, फिर मम्मा कहते फिर अगर डॉक्टर ने कहा कि हाँ एक बारी चेक करना तो फिर किसको चेक करवाऊँगी मैं, अपने आप को। सो इसीलिए मेरे को फिर कल से कह रही हूँ कल फिर जाना है, और अभी देखो कल क्या आ रहा है रिपोर्ट में पता नहीं, और मेरा आज मैंने आपको ना एंट्रेंस की वो वीडियो नहीं बनाकर दिखाई मम्मा, वो दिखाने वाली थी एक्चुअली। मैं ना जल्दी मैं फटाफट से अंदर चली गई, बिकॉज मम्मा कह रहे थे कि ना एक्सरे वाली जो लाइन होती है ना वो बहुत ज़्यादा लेट कर देती है इसीलिए। और अंदर की जैसे हम ना दरवाजे से अंदर घुसे ना, सिर्फ दो लोगों की जगह थी दरवाजे तक खड़े होने के लिए बस, उसके आगे इतनी लंबी लाइन लगी थी, वो भी कौन सी सीनियर सिटीजन वाली, नहीं सीनियर सिटीजन वाली ज्यादा थी, और जेसीओज एंड आरओज ओआरज है ना उनकी कम थी, उसमें से 4-5 जने ही थे, और हम देखकर हैरान। और मैं भी ट्यूशन से भी आ गई, और अभी हम जोड़ रहे हैं कपड़े पर ना मेरे हाथ में ना कैमरा पकड़ा नहीं जाता, बहुत पेन होती है, पहले जैसे पकड़ के कॉन्टिन्यूसली मैं बात कर लेती हूँ ना, निशान हो गया है ये पता नहीं क्यों हो रहा है, अगर किसी को पता है रुको, हाँ अगर ये निशान मैं आपको दिखा दूंगी, अगर किसी को पता है इसका क्या इलाज है जल्दी जल्दी से मेरे को कमेंट में बताना, बिकॉज इधर बहुत पेन होती है, ये देखो ओ, 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 ओ। रुको दिख ही नहीं रहा है, रुको दिखाती हूँ मैं, दीवार नहीं दिखानी बहन, ये रहा देखो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है, और नीचे जो बैकग्राउंड आ रहा है उसको करना इग्नोर थोड़ा, ये ना ऐसे हो ही जा रहा है बार बार, और ना उसके अच्छा कहते जैसे मैं ट्यूशन गई थी ना, तो वो मैम मेरे को ट्यूशन वाले कह रहे थे कि आई होप नहीं मतलब कि वो कह रहे थे शायद से उनसे ना इंजेक्शन जो है अच्छे से नहीं लगा इसीलिए वहाँ पर ऐसा हो गया है, या फिर देखो क्या हुआ है अभी। सो इसको कब से गुआवा दिया है, अभी तक इसका फिनिश नहीं हुआ है मम्मा। चलो आपसे मिलती हूँ डिनर पे अब। सो गाइज अभी मेरा जो डिनर है वो हो गया है रेडी, और आज जो डिनर है वो है सो आज का जो डिनर है वो है नमकीन चावल विद राजमा की सब्जी, नहीं आ रही राजमा की सब्जी, और ये रहे मेरे चावल, और अभी मैं अब ठीक होगा, और अभी मैं फटाफट से चावल खाने के बाद एडिटिंग करेंगे, और एडिटिंग करने के बाद फटाफट से आज भी सो जाएंगे, बिकॉज कल फिर से जाना है हमारे को हॉस्पिटल। और अभी बानी कह रही थी कि मेरा घर ना अकेले मन नहीं लगता, सो मेरे को भी साथ में लेकर जाओ, और बानी स्टेला को कहती स्टेला तेरा मन लग जाता है। सो अभी मैं फटाफट से खा लूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ खाने के बाद। सो गाइज अभी मैंने अपना ना सो गाइस अभी मैंने अपना डिनर कर लिया है, और अब दवाइयाँ मैंने भी खानी है, मैंने कहा चलो पहले फटाफट से व्लॉग की एडिटिंग कर लें फिर सोने के टाइम पे खाऊंगी, कल भी सोने के टाइम पे ही खाकर सोई थी, और अभी मैं फटाफट से एडिटिंग करूंगी। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अभी एक हाथ से पकड़ा नहीं जाता, और जो कल का व्लॉग है उसमें भी हम हॉस्पिटल में ही मिलेंगे आपको, और परसों के व्लॉग का मैं कुछ बता नहीं सकती अभी, और अभी कल जाएंगे कि कल शूट क्यों करेंगे, बोर हो जाते हैं सब एक ही चीज़। नहीं आपको मैं अपनी अपडेट देती रहूंगी हॉस्पिटल जाकर भी, हाँ पर अंदर जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब इतना नहीं शूट कर पाएंगे, थोड़ा सा जैसे बाहर होंगी तब मैं शूट कर लूंगी, और कल का व्लॉग भी वही होगा फिर आपको मेरे डॉक्टर अच्छे तो वहाँ पर शूट कर लिया था, बट ये थोड़े सीनियर होते हैं, ये सीनियर और एक बात बोलूँ लीचर टाइप के होते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं इसीलिए
सही कहा। और अभी फटाफट से मैं अपनी एडिटिंग कर लूँ। सो आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे बाजू पे हुआ है उसका अगर किसी को इलाज पता है तो मेरे को कमेंट में जल्दी से बताना मतलब कि इसका कोई इलाज। सो मिलती हूँ आपको अब कल। टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट। और अभी स्टेला भी ना ऊपर से ना लड़ाई कर आ रही है बानी के साथ। बानी कहती तू हनी के कोठे पर क्यों चली गई, वो कहती मैं उधर ही जाऊंगी। सो बाय बाय एंड गुड नाइट।